हरे कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम करेंगे शालिग्राम जी पे श्रृंगार। तो हम इसके लिए फैब्रिक कलर यूज कर रहे हैं। कलर है एक तो ये येलो है, येलो रेड कलर, येलो कलर, और ये ग्रीन, और ये वाइट। हम सिर्फ इन्हीं कलर का यूज करेंगे। और ये हमने साथ में पानी रख लिया है ब्रश धोने के लिए, और ये हमने कलर बनाने के लिए एक प्लेट रख ली है। तो ये रहे हमारे शालिग्राम जी, जिनका हमें आज श्रृंगार करना है। छोटे से ही हैं, कोई ज़्यादा बड़े बड़े शालिग्राम जी रह नहीं है यहाँ पे। तो अब हम इनका श्रृंगार जो है शुरू करेंगे। तो पहले हम इनका जो ये सब है कलर की जो डब्बियाँ हैं वो खोल लेते हैं। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम ही शालिग्राम जी का जो है श्रृंगार कर रही हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो ब्रश है ये हमने पतली नीप का ही लिया है, आप देख सकते हैं पतली सी नीप है इसकी। तो ट्राई करते हैं बिहारी जी का नाम लेके, देखते हैं आज हम शालिग्राम जी का श्रृंगार कैसे करते हैं और कितना सुंदर कर पाते हैं, वो सब देखते हैं। तो हम शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहले हमारे छोटे से शालिग्राम जी हैं, ये हम यहाँ से ही शुरू करेंगे इनका, ये रहा, ठीक है। तो पहले एक का करते हैं फिर दूसरे का करेंगे, ठीक है। जय श्री राधे। ये मैं पहली बार ही शालिग्राम जी का क्या है श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया है। ये देखिए आईज हमने बना ली है ठाकुर जी की। सॉरी सॉरी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे पहले इनका जो है तिलक भी अभी के अभी साथ के साथ ही लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये आप देखते रहिएगा। तो अब हमको क्या कौन सा कलर चाहिए यहाँ पे आइस बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते कैसे करते हैं। कुछ फर्स्ट टाइम है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, क्योंकि कभी हमने किया नहीं है इसीलिए। तो अब हम आइस का जो है हम लोग येलो कलर की ही बनाएंगे। अब हमको यहाँ पे ब्लैक कलर की जरूरत चाहिए होगी, तो हम इसको 5 मिनट सूखने के लिए रखेंगे, क्योंकि जो कलर है ना वो आप देख ही रहे हो, ये वाली आइस जो है वो थोड़ा सा उसमें हम लोग अभी श्रृंगार कर देंगे, तो ये दोनों आइस जो है बिल्कुल सही से लगेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इतने स्टिके पे थोड़ा सा पीले कलर का कर देते हैं हल्का हल्का, ये देखिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिप्स बनाएंगे, वो हम अभी बनाएंगे, पहले इनको सुंदर आइस का श्रृंगार कर लें, उसके बाद में हम लोग जो है लिप्स का श्रृंगार करेंगे। तो मैं ब्लैक कलर जो है ब्लैक कलर निकाल लेती हूँ, इतने हमारे जो शालिग्राम जी है वो सूख जाएंगे। तो मैंने ब्लैक कलर भी ले लिया है, पहले हम येलो कलर को जो है वो साफ कर लेंगे ब्रश पे से। अब ब्लैक कलर से हम लोगों को आइस का जो है श्रृंगार करना है, ठीक है। ये हम हल्का सा ही लगाएंगे ब्रश पे। Thank you.
ये जो है ना येलो कलर जो है वो भी बहुत ज्यादा मतलब सूखा नहीं है, बहुत गीला है। अब हम देखो क्या करते हैं। ठीक है डियर, ये सब देख लीजिए आप, ये सब हो चुका है यहाँ से। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जैसे ब्लैक ब्लैक हुआ ना, हम इसको ऐसे से कर देंगे और हम ऊपर की साइड कुमकुम लगा देंगे। चाहे तो हम पीले कलर से इनकी थ्रेडिंग भी बना सकते हैं, तो वो मैं बना के एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है, मैंने सोचा नहीं था। खैर ये सब ठाकुर जी की ही कह सकते हैं कि आप ठाकुर जी ने ही, ये हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर देंगे, हल्का हल्का सा आप पीछे से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिप्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो है श्रृंगार अभी तक तो अच्छा हो रहा है, बाकी आगे का भी करते हैं। आगे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखते जाइए। ये हम यहाँ पे कुमकुम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ना, अब हम इधर की साइड में। ये देखिए, ठीक है, अब हम ग्रीन कलर यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम येलो कलर का,
ये देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है हमारे ठाकुर जी का, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमारे ठाकुर जी का जो है श्रृंगार हो चुका है। ये देखिए ये जो हल्का हल्का वाइट है इसको हम वाइट में आप कहोगे कि मैंने क्यों करी है, आप दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ना, ये हमने, ये देखिए आईज भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आपको दिखा। अब हम क्या करेंगे, हम ब्लैक कलर से यहाँ पे साइड में इनके पलक बना देंगे। देख सकते हैं, और हम ये हमारे जो ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये हम तिलक को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और ये जो लिप्स हैं ये भी बहुत सुंदर बने हैं हमारे ठाकुर जी के। तो अब हमारे ठाकुर जी का कंप्लीट हो चुका है श्रृंगार। तो आप सब बताइएगा आप सबको कैसा श्रृंगार लगा हमारे ठाकुर जी को, और लगा है अच्छा तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।